हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय चैनल मैक इंडियाटेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो एक्ट अप्रेंटिस आईटीए वालों के लिए आई हुई है उसके बारे में। देख पा रहे दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एमपी पावर प्लांट्स की जो है भर्ती है, और किसी भी पावर प्लांट्स में एक्ट अप्रेंटिस करने से आपको आगे की फ्यूचर्स बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे आईटीआई वालों के जो अलग अलग ट्रेड हैं उनके बारे में एक्ट अप्रेंटिस की जो भर्ती हुई आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा है सारा, यहाँ पे न्यूज़ सेक्शंस पे जैसे ही आइएगा यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन कर रहा है कि जो भी एक्ट अप्रेंटिस आई हुई है उसके बारे में। तो आइए हम लोग सीधे डायरेक्ट इसका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और उसमें क्या क्या ट्रेड के जो है एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक्ट अप्रेंटिस आई हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे दोस्तों, ये जो है एक्ट अप्रेंटिस जो है खास करके एमपी वालों के लिए ही है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए इसमें प्रेफरेंस नहीं दिया गया है कोई। तो यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के जो भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा ट्रेड के लिए एक्ट अप्रेंटिस निकाला गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशंस, इसी तरह से मैकेनिक्स कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स, मैकेनिक्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, आगे गैस कटर्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, मशीन्स, कंप्यूटर्स ऑपरेशंस एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स इन कोपा, बॉयलर अटेंडेंस, फीटर, मशीनिस्ट और लास्ट में ऑपरेटर्स पीएलसी सिस्टम। यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ 15 ट्रेड्स का जो है एक्ट अप्रेंटिस निकाला गया, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 101 है। यहाँ पे टोटल नंबर अगर देखें वैकेंसी तो टोटल नंबर 101 वैकेंसी है, और यहाँ पे वन नंबर में सारा मेंशन कर दिया गया है कि ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है, नो कि अदर स्टेट के लिए। तो ये खास करके एमपी वालों के लिए ही है, तो वे आवेदन इसको कर सकते हैं। और ये जो है कहीं से भी आईटीआई किए हों या एनसीवीटी से किए हों या एससीवीटी से किए हों वो इसको आवेदन कर सकते हैं। आगे देखेंगे शैक्षणिक पात्रता, यानी कि इसमें क्या क्या दिया गया है कि उम्मीदवार किसी भी स्थापना संदर्भ पूर्व अप्रेंटिस किया ना हो, वो जो है पहले से किसी एक्ट अप्रेंटिस के द्वारा अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो ही वो आवेदन करेंगे, यानी कि जो अप्रेंटिस किए हैं वो इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था, आप लोग इसका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आयु में छूट की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट रूल जो होती है वो इसमें भी लागू होगी। यहाँ पे मिनिमम एज की बात करेंगे तो 18 ईयर्स रखा गया है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 ईयर्स रखा गया है, और जो एज गवर्नमेंट रूल जो है वो इसमें भी सेम टू सेम अप्लाई होगी। आगे देखेंगे चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार आवेदन की छटाई की जाएगी, उसके बाद ही आपको प्रतिशत के हिसाब से यानी कि सेमेस्टर के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस की बात। और स्टाइपेंड की बात करेंगे तो स्टाइपेंड जो है एक वर्ष आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 7700 और दो वर्ष के यानी होगी वो 8050 रुपये मासिक वेतन आपको मिलेगा। एक साल का जो एक्ट अप्रेंटिस उसको 7700 मिलेगी और दो वर्ष के लिए 8050 रुपये मिलेगी। आवेदन कैसे करें, आवेदन का जो प्रोसेस है आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से जा सकते हैं। फिर करियर सेक्शंस में जाइएगा, करियर सेक्शंस के बाद आपको जैसे आगे बढ़िएगा रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और फिर कैंडिडेट लिंक्स दिखाई देगा, इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आवेदन करने के बाद आप ऑप्शंस भी आप सर्च करके ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, यानी कि संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन विष्णुपुर का विकल्प लेकर भी आप अन्य योग्यता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये था एमपी से जो है एक एक्ट अप्रेंटिस निकली हुई है पावर प्लांट्स का उसके बारे में। तो जो कैंडिडेट एमपी से रिलेटेड रखते हैं वो इसको आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि पावर प्लांट्स की अप्रेंटिस बहुत ही अच्छी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद।